दूसरी पत्नी और बेटी के विवाद ने आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज की उजाड़ दी जिंदगी। दुनिया को संयम और तनाव मुक्ति की सीख देने वाले भय्यू महाराज अपने ही परिवार के विवाद और आपसी कलह को सह नहीं पाए और तनाव के चलते उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भय्यू जी महाराज दूसरी पत्नी डॉ आयुषी और पहली पत्नी की बेटी कुहू के बीच चल रहे विवाद से टूट गए थे। दोनों के बीच सुलह और सब कुछ सामान्य करने के प्रयास भय्यू महाराज करते रहे, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। मंगलवार को बेटी पुणे से इंदौर आने वाली थी। उनके घर मौजूद परिजन और कर्मचारियों को भी विवाद होने का भय सता रहा था। भय्यू महाराज को भी शायद इस बात का अंदेशा हो गया था। हजारों लोगों को उनकी समस्याओं का चुटकियों में हल बताने वाले भय्यू महाराज शायद जब अपनी समस्या का हल नहीं तलाश पाए तो उन्होंने खुद की जीवनलीला समाप्त कर ली। आज दोपहर 1 बजे भय्यू जी महाराज का अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के मुताबिक दूसरी पत्नी को घर लाते ही बेटी ने पूजा का सामान फेंक दिया। पहली पत्नी माधवी के निधन के बाद भय्यू महाराज ने डॉन आयुषी से शादी करने के निर्णय के बारे में बेटी कुहू को नहीं बताया था। वह शादी से सहमत नहीं थी। गुस्से के कारण कुहू शादी में भी शामिल नहीं हुई। डॉन आयुषी जब पहली बार घर आई तो कुहू ने इसका विरोध किया। दोनों में कहासुनी भी हुई। कुहू ने गुस्से में भय्यू महाराज के पूजन स्थल से दीपक और सामान फेंक दिया। डॉन आयुषी को इससे बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने भय्यू महाराज से कहा, तुमने कुहू की इस हरकत का विरोध क्यों नहीं किया? शब भय्यू महाराज ने कहा कि बेटी नादान है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। समय के साथ साथ सब सामान्य हो जाएगा। डॉन आयुषी को बुरा लगा। डॉन आयुषी ने शादी के कुछ समय बाद मकान का रंगरोगन करवाया। पुताई के दौरान उन्होंने कुहू की माँ व भय्यू महाराज की पहली पत्नी माधवी की सारी तस्वीरें हटवा दी। जब कुहू पुणे से घर आई और माँ की तस्वीरें गायब देखी तो हंगामा कर दिया। डॉन आयुषी और कुहू के बीच जमकर कहासुनी हुई। पिता की मौत की सुनकर कुहू इंदौर लौटी थी। वह सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंची और पिता को देखा। पिता को खून से सना देख बदहवास हो गई। दोपहर में वह गुस्से में घर पहुंची और डॉन आयुषी की तस्वीरों को फोड़ना शुरू कर दिया। उनके साथ मौजूद कांग्रेस की महिला नेता ने उसे संभाला और कमरे में लेकर गई। माँ और बेटी में मारपीट न हुए इसके लिए दोनों को अलग रखा और उनके कमरों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा।